बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाने जा रही हूँ बेसन का हलवा, जो कि बहुत ही आसान 10 मिनट में बन जाता है। तो चलें हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक कढ़ाई में 1 कप घी ले लें, ऑयल नहीं लेना, उससे टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं होता। और लो फ्लेम में आपने बनाना है, घी थोड़ा मेल्ट हो जाए तो फिर हम उसमें 2 चम्मच सूजी डालेंगे। इधर घी हमारा जो है वो मेल्ट हो गया है, उसमें 2 चम्मच आपने सूजी डालनी है। और इसको मिक्स करना है। साथ ही हमने बेसन डाल देना है, 1 कप बेसन, और इसको भून लें, अच्छे से भून लें। शुरू में इसका काफ़ी ज़्यादा झाग होगा, फिर ये जब भून जाएगा तो इसकी झाग जो है वो निकल जाएगी। और इसको आपने लगातार ऐसे चम्मच चलाते रहना है ताकि आपका बेसन न जले। और आपने लो फ्लेम में इसको बनाना है। इसको आपने बिल्कुल हल्की आंच पर भूनना है ताकि हमारा बेसन जो है वो जल न जाए। यहाँ पर हमारा जो बेसन है वो भून चुका है, हम इसमें 1 कप दूध डाल देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। और आपने इसको इतना पकाना है कि जो दूध है वो बेसन में जल हो जाए। दूध जो है वो जज्ब हो गया सूजी में। अब यहाँ 1 कप और दूध डालना है, आप इसकी जगह पानी भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है और चम्मच को छोड़ना नहीं है, चलाते रहना। अब यहाँ हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स डालने हैं इसमें। मेरे पास बादाम और नारियल है, ये डालते हैं। साथ किशमिश भी डाल देते हैं। 1 कप चीनी और इसको कर लें मिक्स। आप चलाते जाएं जब तक जो है ना घी निकल ना आए। देखिए हमारा वह बहुत ही मजे का जो है ना तैयार हो रहा है। इतना मज़े का टेस्टी हलवा बना है कि ये मुंह में जाते ही घुल जाएगा। आप इसको घर में ज़रूर बनाएं। यहाँ पर जो है घी वो अलग हो गए और हमारा हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। देखिए कितना मज़े का है। इसको अब एक प्लेट में निकालती हूँ।
मज़ेदार हमारा बेसन का हलवा तैयार है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।